हेलो मित्रों मित्राणियों, कैसे हो? सब बढ़िया? हाँ, आज की इस वीडियो में मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको नई दिल्ली से लखनऊ तक का सफ़र, जो कि है लखनऊ मेल से। हाँ, जिसकी टाइमिंग है 10 बजे, जो 10 बजे यहाँ से निकलती है एंड सुबह 6:50 या 6:30 पे, कंफर्म नहीं है, शायद 6:50 पे लखनऊ पहुँचाती है। ठीक है, तो ठीक है, आपको पीछे दिख रहा होगा। ठीक है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, जो कि काफ़ी प्यारा लग रहा है, बाकी ठीक ठाक भीड़ है। तो मैंने स्लीपर का ऑलरेडी टिकट बुक कर रखा है, तो इसलिए भी बाहर आराम से वीडियो शूट कर रहा हूँ, कोई इशू नहीं है। अंतर चल के आपसे मिलते हैं और दिखाते हैं क्या माहौल क्या नहीं है। तो पूरा टूर देने वाला हूँ, बाकी जिसको भी नॉलेज चाहिए कि मतलब कैसे क्या होता है तो आप कमेंट करो, मैं बता दूंगा कि कितने का टिकट वगैरह था, मैं दिखा दूंगा आपको। फाइनली वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अंदर और बैठते हैं लखनऊ मेल में और सफ़र करते हैं लखनऊ का। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि अब रेगुलर वीडियो मिल सकती हैं आपको, तो लोग थोड़ा देखते हैं ऑकवर्ड, मतलब थोड़ा अजीब तरीके से। तो मैंने जैसे आपको कहा था कि रेगुलर वीडियो मिलेंगी तो ऐसे ही मिलेंगी। तो चलो ठीक है, अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं अंदर की। तो फाइनली पहुँच चुका हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे और थोड़ा सा स्ट्रगल आने में लगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, तो मैंने आपको नहीं दिखाई है, उसको मैंने इग्नोर किया क्योंकि आपको लखनऊ मेल का पूरा टूर देना है, तो प्लेटफॉर्म दिखा के आपको गुमराह नहीं करना है। आपको पीछे दिख रही होगी राजधानी एक्सप्रेस खड़ी है, लगभग 8:56 हो रहा है, तो लगभग 9:30 के आसपास अपनी लखनऊ मेल भी लग जाएगी। उसके बाद पूरा आपको उसका व्यू और टूर देखेंगे कि आगे क्या होता है क्या नहीं होता है, बने रहो। बाकी जैसे ही लगती है फिर लखनऊ मेल लगने के बाद ही आपसे मिलते हैं और उस पर चढ़ के। तो फाइनली टाइम हो रहा है 9:40 और अभी लगी है लखनऊ मेल। काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, देखते हैं कि अपना डिब्बा किधर है। अपना कोच है S3 बेस 10 नंबर मिडिल का, तो लग रही है और काफ़ी भीड़ है, पहले से लोग बैठे हुए हैं यार, और अब मचे की भगदड़ क्योंकि मैं पिछली बार आपको जो मैंने दिखाया था, पिछली बार मैं जनरल डिब्बे से आया था, तो इस बार मैंने वो गलती नहीं करी है। सो फाइनली अपना कोच S3 और गेट खुल चुका है, लोग भाग रहे हैं और ऐसा भीड़ है, अभी लोगों को चढ़ने देते हैं, हम आराम से। अपना सीट नंबर है 10, तो शायद मैंने देख लिया, ये है इधर अपना ये वाला, तो ठीक है चढ़ते हैं। और तो फाइनली सबसे पहले मैं आपको टूर देता हूँ कि मतलब क्या है क्या नहीं है, तो दिखाता हूँ आपको मैं लखनऊ मेल में। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, सबसे पहले जैसे ऊपर आते हो तो कुछ ऐसा माहौल है ये गेट का, और बाकी ये कुछ ऐसा व्यू है, तो मतलब काफ़ी अंधेरा है, बाकी ये कुछ है, मतलब हाथ वाथ धोने के लिए नीचे डस्टबिन है, और बाकी इधर भी तरफ का गुड। बाकी गंदगी तो मतलब है ठीक ठाक हद तक है, और बात की जाए संडास घर की तो मतलब इतना एवरेज साफ नहीं है, तो साफ तो कह नहीं सकते। अपनी सीट के बारे में बात करें तो कुछ ऐसा होता है, और अपनी सीट ये है नंबर 10, तो मतलब ये कुछ रखने का जुगाड़ है बटर वगैरह, बाकी कुछ ऐसा है जो मिरर दे रखा है। तो सो फाइनली मैं बैठ चुका था और अपने टाइम पे ट्रेन निकल भी चुकी थी, अभी 1:39 हो रहा है और हम मुरादाबाद जंक्शन में हैं, और हमारे साथ 3 ढाई लोग भी हैं जो कि मैं आपको मिला देता हूँ उनसे। और ये सबसे पहले मिले इनसे, आपका नाम? हाय बड़े, मेरा नाम ऋतिक मोहन है, ठीक है, शाहजहांपुर से हूँ एंड आई एम कमिंग फ्रॉम मुंबई एंड दिस गाइस रियली नाइस वन एंड भैया है। हेलो, दिस इज राजवीर सिंह, मैं दिल्ली से आ रहा हूँ एंड आई एम गोइंग टू लखनऊ। राजवीर सिंह द लॉयर, द लॉयर, बच के रहना इनसे, राजवीर सिंह द लॉयर, बच के रहना, लोगों की नौकरी का मतलब है। आप? आई एम ऋषिक रस्तोगी, मैं भी दिल्ली से लखनऊ जा रहा हूँ। ऋषिक रस्तोगी राइट। तो भैया तो शायद पहले उतर जाएंगे और अभी हम 3 लोग लखनऊ में भी आपसे मिलेंगे, तो अभी कुछ मैंने टूर नहीं दिया इस मतलब कोच का, तो मैं सोच रहा हूँ पीछे उतरूँ, लेकिन थोड़ा सा क्राउड थोड़ा सा लग रहा है, ज़्यादा है नहीं वैसे। तो अभी हम लोग बैठे थे ना, मतलब बातें चल रही थी, तो अचानक से DT साहब आए हैं, सर आए हैं, मतलब ये भी काफ़ी टाइम से मतलब लगभग 10-15 मिनट से हमारे साथ थे, तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया हमारे बारे में, तो मेरे को इनसे पूछते हैं और मिलिए। यह है सर, और कैसा लगा मतलब आपको हम लोगों का मिलकर? बहुत अच्छी बात, अच्छा लगा, और आप लोग हमारी प्रशंसा करते हैं, हम आप इससे ज़्यादा लोग, वैसे हम आप लोगों को सेटिस्फाई और संतुष्ट कर सके आप,
बस बाकी मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि मतलब अभी जब ये आए ना तो मतलब इन्होंने काफी चीजें बताई इंडियन रेलवे के बारे में, और लगभग शायद 12-13 साल से वर्किंग भी है, बहुत अच्छा वर्कर है। तो अगर ऐसे ही कोई सपोर्ट करता है आपका मतलब ट्रेवल में तो मतलब ऑनेस्टली काफी अच्छा लगता है, और उनकी आप केयर करें तो थैंक यू। अपने इंडियन रेलवे तो फाइनली अभी रात है तो मैंने सोचा आपको दे दूँ टूर, तो मतलब कुछ खास नहीं था, थोड़ा कुछ दिखा देता हूँ। और अभी शायद ट्रैक चेंज कर रही है ट्रेन, इसकी काफ़ी ज़्यादा आवाज़ हो रही है, आप कंडीशन दे सकते हो। बाकी इतनी भीड़ तो गैलरी में नहीं है, और नॉर्मली हम लोग सो रहे थे, कोई इशू नहीं है, और कुछ ऐसा है अभी रात सभी सो रहे हैं। बाकी गेट पे तो कब्जा कर रखा है भाई लोगों ने, यही गेट खुल रहा है, बाकी इधर से तो किसी को जाया नहीं दे रहे। सो फाइनली हम लखनऊ पहुंच गए हैं अपने एग्जैक्ट टाइम पे, वही जो सुबह 6:40 का लगभग टाइम था, और भाई लोग भी लखनऊ आ रहे थे जो मैंने आपको रात में दिखाया था, तो काफ़ी मज़ा आया राजीव भैया के साथ और ऋषिक भैया के साथ, मतलब काफ़ी अच्छा लगा यार। तो आई होप कि आपको भी पसंद आई होगी वीडियो, और जो भी मैंने दिखाया अच्छा लगा होगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इंतजार करें आप, और क्या कहना चाहेंगे? सलाम, नमस्ते, बाय बाय, गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो, लाइक करें, सब्सक्राइब करिए भाई को, थैंक यू। बाकी ये नहीं मिलेंगे, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, भाई मिलते रहिएगा, ठीक है, मिलेंगे, ठीक है, और ठीक है, ध्यान रखें अपना, और अगली वीडियो मिलते हैं, राधे राधे।